हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नौटो सुपुडिन के एपिसोड नंबर 49 को। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसे आई बटन से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि कैप्टन यामाटो साई को अपने ऊंट से पकड़े होते हैं। साई बताता है कि उसने सास्के को देखा और साई यह भी कहता है कि सास्के को नारुतो की परवाह नहीं, तो तुम उसे क्यों बचा रहे हो। जिस पर नारुतो कहता है, सास्के मेरा दोस्त है, इसलिए मैं उसे ओरोचिमारु से बचाऊंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चला जाए। और तभी काबुटो वहाँ पर आ जाता है और काबुटो उन पर कुनाई से हमला करता है और कहता है, मुझे लगा हमने तुमसे छुटकारा पा लिया, मानना पड़ेगा। वैसे लॉर्ड ओरोचिमारु के एक्सपेरिमेंट से ऐसी ही उम्मीद थी। काबुटो को देखकर नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तब काबुटो साई से कहता है, तुम्हें देखकर तो लगता है इन्होंने तुझे पकड़ लिया है। और तभी नारुतो कहता है, बीच में मत आ, अगर आएगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हम देखते हैं कि नारुतो का क्लोन रासिंगन बना रहा होता है और वो काबुटो पर हमला करता है, पर काबुटो उसे बड़े आराम से हरा देता है। और तब नारुतो और क्लोन बनाकर काबुटो पर हमला करता है, पर काबुटो उन सभी क्लोन को बड़े आराम से हरा देता है। तभी कैप्टन यामाटो अपने ऊंट से काबुटो पर हमला करते हैं, काबुटो उससे बच रहा होता है। और तब सकुरा अपनी मॉन्स्टर वाली शक्ति से काबुटो को एक पंच मारती है, पर काबुटो उसे बड़े मुश्किल से बच पाता है। और तभी बहुत सारी मधुमक्खियां काबुटो को घेर लेती है, पर काबुटो उन सभी मधुमक्खियों को मारने लगता है और सभी मधुमक्खियों को मार भी देता है। और तब काबुटो सोचता है कि एक के सामने तीन, मेरे हारने की संभावना ज्यादा है। और तब काबुटो सही से कहता है, मुझे तुझ पर यकीन है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तू हमें धोखा नहीं देगा। काबुटो साई को आजाद करता है और कहता है, तुम्हें लड़ते हुए देखकर दया आती है, खासकर तुझे नारुतो, तुझे देखकर दया आती है। अगर तुम मुझे हरा भी देते हो तो भी सास्के को बचा नहीं पाओगे, क्योंकि सास्के अब वो पुराना वाला सास्के नहीं रहा, सास्के बदल चुका है। और तभी साई काबुटो को पकड़ लेता है तो काबुटो कहता है, ये क्या कर रहा है, तेरा मिशन सिर्फ डांजो और ओरोचिमारु के बीच तार का काम करना है। जिस पर साई कहता है, अगर लोग बदल सकते हैं तो फिर मैं भी बदल सकता हूँ, पर कुछ ऐसी भी चीज है जो बदलती नहीं, वो है रिश्ता। इसके बाद कैप्टन यामाटो काबुटो को अपने ऊंट से पकड़ते हैं और वे अपना ऊंट क्लोन बनाते हैं। नारुतो साई से कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो। जिस पर साई कहता है, मैं इस रिश्ते के बारे में जानना चाहता हूँ जो तुम्हारे और सास्के के बीच है। मैं पूरी तरह समझा तो नहीं, पर मैं समझना चाहता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे पता चला है कि मैं अपने भाई से चाहकर भी रिश्ता नहीं मिटा सकता। शायद मैं ये समझ पाऊँ तुम्हें और सास्के को देखकर। जो सुन काबुटो हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें असली सास्के के बारे में कुछ नहीं पता। और तब कैप्टन यामाटो काबुटो से पूछते हैं कि सास्के कहाँ पर है। जिस पर काबुटो कहता है, उसने अब तक ट्रेनिंग पूरी कर ली होगी और अंदर के किसी कमरे में होगा। तब सही कहता है, ये सच कह रहा है, लेकिन ये अंदर वाला कमरा कितनी अंदर है। जिस पर काबुटो कहता है, वो तो मैं भी नहीं जानता, अंदर में बहुत सारे कमरे हैं, सिर्फ एक या दो नहीं। तब नारुतो कहता है, ऐसा है तो फिर हम हर एक कमरे में जाएंगे। तो काबुटो कहता है, हाँ तुम सबको देखोगे तो किसी में मिल ही जाएगा, लेकिन फिर तुम शायद सांपों के छत्तों से भी टकरा जाओ। अंदर में लॉर्ड ओरोचिमारु का कमरा भी है। और तब कैप्टन यामाटो कहते हैं, क्या तुझे लगता है हम नहीं ढूंढ पाएंगे, पर हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। इसके बाद वे सभी वहां से चले जाते हैं और काबुटो के पास कैप्टन यामाटो का वुड क्लोन रहता है। इधर टीम काकाशी दो टीमों में बढ़ते हैं, एक तरफ कैप्टन यामाटो और सकुरा, दूसरी तरफ नारुतो और साई होते हैं। और नारुतो याद करता है कि सास्के ने उसे ट्रेनिंग के दौरान खाना दिया था और जाबुजा से फाइट करते वक्त सास्के ने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद फाइनल वैली जहां सास्के और उसकी फाइट हुई थी। इधर सकुरा सोचती है, जब सास्के ने लिफ विलेज को छोड़ा था और वे सब सभी कमरों को देखते हैं पर उन्हें सास्के नहीं मिलता, तब नारुतो सास्के को जोर से आवाज देता है और तब हम देखते हैं सास्के को। और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।